गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे नेडेड इरेजर, जो कि हम घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसका काम भी बताऊंगा। सो हम इसे कहां पर यूज करते हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग में हम इसे यूजफुली ड्राइंग में डिटेल वर्क हो या हाईलाइट के लिए इसे हम यूज में लेते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम नेडेड इरेजर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली मास्किंग टेप ले ली है और एक 3 से 5 रुपए में आने वाला सिंपली इरेजर ले लिया है। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपके पास सीट है तो आप सीट का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास सीट नहीं है तो आप इसको टेबल पर भी बना सकते हैं। तो अभी हम टेबल पर बनाएंगे। से इस तरह से टेप को यहाँ से कट कर लूंगा, इतनी लंबी हमको टेप कट करनी है। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पर टेप को कट कर लिया है। तो अभी हम इस तरह से नीचे की तरफ टेप को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर टेबल पर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसी तरह से हमें नीचे की ओर टेबल पर इसी तरह से फोल्ड करके चिपका देना है। चिपकाने के बाद हम मास्किंग टेप लेंगे और इसी तरह से ऊपर और नीचे की तरफ इसको चिपका देंगे। इस तरह से इसको चिपकाने से यह हिलेगी नहीं। इसी तरह से हम नीचे की ओर इसको चिपकाते हैं। तो चिपकाने के बाद हम गाइस इरेजर लेते हैं और इरेजर को टेप पर रफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं टेप इरेजर को अब्सॉर्ब करने लगी है। तो यही प्रोग्रेस हमको 2 से 3 मिनट तक जारी रखनी है। आप देख सकते हैं कि टेप इरेजर को अब्सॉर्ब करने लगी हो और इस तरह से इरेजर टेप पर चिपकने लगा है। तो अभी हम इसको फिर से रफ करते हैं। पर से उतरने लगा और इस तरह से इकट्ठा होने लगा। तो अभी हम इसको जोड़ देते हैं एक साथ। तो आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास रफ करने के बाद कुछ इतना इरेजर इकट्ठा हुआ है। तो अभी हम इसको सॉफ्ट बनाते हैं, इसलिए हम एक बार टेप को यहाँ से टेबल पर से उतार देते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इरेजर कुछ इतना इकट्ठा हुआ है। अभी हम इसको सॉफ्ट बनाते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से उंगलियों से इसको ऐसे करेंगे। हाई प्रेशर के साथ आपको इसको इस तरह से सॉफ्ट करना है। अभी हम इस तरह से टेबल पर इस तरह से करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यह इरेजर कितना व्हाइट है। देखते हैं।
इरेजर से इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। होपफुली ये मिट भी जाएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यह इतनी अच्छी तरह से ग्रेफाइट को अब्सॉर्ब करता है। तो अभी हम यहाँ पर टू बी पेंसिल से ट्राई करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने टू बी पेंसिल को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। आप भी इस तरह से घर पर नीडेड इरेजर बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह कितना सॉफ्ट है और यह ग्रेफाइट और चारकोल को भी अब्सॉर्ब करता है।